पहले स्कूल पढ़ता था मैंने, तो तो स्कूल में स्कूल क्यों छोड़ा? स्कूल ऐसे छोड़ दिया खुंदक में। खुंदक में छोड़ दी? कौन सी खुंदक थी? ऐसे मैं हम भी बहुत स्कूल मारा जाते मैं। थे पर अब जाता नहीं है। अच्छा, तो अब क्यों नहीं जाते? एक बार मैं स्कूल गया था, मैं चैन पहने हुआ था चांदी की, भाई मैम ने छिता ली थी। मैम ने क्या किया? चांदी की चैन होती है ना, हाँ, मैं छिता ली थी मैम ने। उतार दी? हाँ, तो फिर उससे तो स्कूल में नहीं पहन के ना, जानी हमारे होती ना चाचा जी चैन। जब हाँ आए थे हाँ तो जब पे बड़ा था जेत भी लगा 2-3 लाख रुपए तो घर बनवा लिया, 3 रुपए जमीन खरीदा था। अच्छा, चाचा की शादी थी फिर आए थे यहाँ पे, फिर जो दहेज मिला उससे घर बना लिया। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम आदाब, आप देख रहे हैं स्ट्रेट ऑब्जर्वर, मैं हूँ आशिक खान। जिस तरह से आज रामनवमी का उत्सव है तो हम यहाँ पर जम्मू तवी पर आए थे और आप नज़ारे में देखिए कि आपको लोग आते हुए दिखेंगे कि रामनवमी के दिन लोग यहाँ पर आ रहे हैं और लोग अपनी अपनी जो साख है उसको परवा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, ये देखिए आप दृश्य में, यहाँ पर कुछ बच्चे आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये जो भी लोग आते हैं जो पानी में नहीं उतर पाते हैं, ये उन लोगों की मदद करते हैं और उसके बदले इनको 5 से 10 रुपए दे दिए जाते हैं, जो लोगों से बन पड़ता है वो इनको दिया जाता है। चलो इन्हीं से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? सौरभ। सौरभ क्या करते हो यहाँ पर? ऐसे दीदी जो नहीं तभी पर जो बुजुर्ग होता है वो नहीं जा पाता है तो उनके हम हेल्प कर देते हैं थोड़ी बहुत। मदद करते हो? हाँ। तो इसके बदले में आपको क्या मिलता? 10-5 रुपए वो अपनी इच्छा से दे देते हैं उनको टीम। पैसे पैसे कहाँ हैं आपके पास? पैसे जेब में। ठीक है, इन पैसों का क्या करते हो? खाना खाते घर में जाके। घर पे कौन है आपके? घर में मम्मी है पापा है। तो ये पैसे मम्मी पापा को देते हो या खुद खर्च करते हो अपने ऊपर? ना, अपने भाई को स्कूल में पढ़ाता हूँ उसके ऊपर खर्च करता हूँ। ठीक है, भाई को स्कूल में पढ़ाते हो। कहाँ रहते हो? काशिम नगर। राजीव नगर या कासिम नगर? राजीव नगर। राजीव नगर रहते हो। कितने बच्चे हैं तुम्हारे साथ? ये देख सकते हैं आप, 4-5 एक ये खड़ा है, 2-3 और भी है वो आ। घर पे कौन कौन है? घर पे मम्मी पापा, 4 भाई है। 4 भाई है। तो सीधा मैं आपसे सौरभ ये पूछना चाहूंगी कि आपने कहा कि आप अपने भाई को पढ़ाते हो, कौन सी क्लास में पढ़ता है आपका भाई? अभी छोटा है, अभी 3rd क्लास में पढ़ता है। अच्छा, 3rd में पढ़ता है। इसके चलिए आज तो यहाँ पर ये नवरात्रि थे तो आप यहाँ पर आ गए, चलिए थोड़े पैसे मिल गए लोगों की। इसके अलावा आप क्या करते हो? इसके अलावा मैं काम में चला जाता हूँ कभी कभी। कौन सा काम? ऐसे कोई कंधे में उठाने वाला काम, या तो कोई या तो पहले तो मैं काम सीखता था, उससे भी पहले स्कूल पढ़ता था मैंने, तो स्कूल तो में स्कूल क्यों छोड़ा? स्कूल ऐसे छोड़ दिया खुंदक में। खुंदक में छोड़ दी? कौन सी खुंदक थी? ऐसे मैम बहुत मारा था मैम ने, फिर मैंने ठीक है मैंने बोला। पढ़ाई के लिए मारा? हाँ, छोटा। कितनी उम्र है तुम्हारी? मैं होऊंगा 16 साल का। 16 साल का लगते नहीं हो तो बहुत उम्र कम है। तो मजदूरी का काम कहाँ करते हो? ये मंडी पे करते हैं। तो लोग करवा लेते हैं? हाँ, कोई कोई होता है। कितने पैसे दे देते हैं आपको? 150 रुपए दे देते हैं खर्चा पानी जो भी रोज का। रोज का फिर उन पैसों को कहाँ रखते हो? उन पैसों को घर में देते हैं फिर, और जो बचता है हमारे को वो अपने ऊपर खर्च कर देते हैं। पापा क्या करते हैं? पापा सर्विस करता है गाड़ी का। अच्छा, कहाँ पर? इटरा गड्ढा। आपका क्या नाम है? विकास। विकास तुम क्या करते हो? हम भी स्कूल जाते थे पर अब जाता नहीं है। अच्छा, तो अब क्यों नहीं जाते? एक बार मैं स्कूल गया था, मैं चैन पहने हुआ था चांदी की, भाई मैम ने छिता ली थी। मैम ने क्या किया? चांदी की चैन होती है ना, हाँ, मैं छिता ली थी मैम ने। उतार दी? हाँ। तो फिर उससे तो स्कूल में नहीं पहन के जानी होती ना चेन, फिर तुम पहन के गए तो उतार दी मैम ने। ऐसे उतार दी, हम समझे थी पहनते जाते हाँ। गले में पहन दी, और ये इधर का है ना नोच भी दिया था मैम ने। दिखाओ जरा। अरे दिखाओ दिखाओ। अच्छा, मैम ने क्या किया? चेन उतार दी। तो तुम गुस्से के बाद स्कूल नहीं गए? ना। बताओ जरा। ये नोच गए। अच्छा, यहाँ पर निशान भी है जो इसको मैम ने जब चेन उतारी थी तो इसको यहाँ पर निशान है, तो गुस्से के मारे ये स्कूल नहीं गया। घर कहाँ है? राजीव नगर। राजीव नगर। घर पे कौन कौन है? मम्मी पापा और एक भाई और 2 बहन है। पीछे कहाँ के रहने वाले हो? पीछे यूपी। यूपी। यूपी से यहाँ पर किस तरह आए? ये इधर पे आए थे हम रहने के लिए, इधर शादी थी ना हमारे चाचा की, हाँ, जब आए थे हाँ, तो इधर पे बड़ा था जेत भी लगा 2-3 लाख रुपए तो घर बनवा लिया, 3 रुपए जमीन खरीदा था। अच्छा, चाचा की शादी थी फिर आए थे यहाँ पे, फिर जो दहेज मिला उससे घर बना लिया। ठीक है। अच्छा। और अभी एक चाचा और उसकी शादी करवाना है, वो कानपुर में जय माता की।
जिस तरह से आपने बच्चे देखे हमारे साथ खड़े थे विजुअल्स में, आपने देखे बिल्कुल माइनर एज के बच्चे थे, स्कूल जाने की उम्र में मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, अपने घर वालों का पेट पालने के लिए काम कर रहे हैं, और साफ तौर पर हम आपको बताना चाहेंगे शायद घर की हालात वैसे नहीं है कि स्कूल जा पाए, कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं अपने घर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, घर का खर्च चलाने में बहुत ही छोटी एज है। हम चाहेंगे कि सरकार कुछ ऐसे प्रावधान बनाए कि इन जैसे बच्चे भी पढ़ सके जो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं बहुत ही छोटी सी एज में। तो चलिए, ऐसी और भी अपडेट्स के साथ जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ। आशा खान, जम्मू से।